सांवेर में हुए कांग्रेस के आयोजन के बाद भाजपा ने कांग्रेस नेताओं पर कई तरह के आरोप लगाए हैं और कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है और कांग्रेस खुशियां मना रही है। सांवेर नगर में आज कांग्रेस ने केंद्रीय चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया, जिसमें हजारों की तादाद में ग्रामीण जन और कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। इस पर भाजपा सांवेर मंडल के अध्यक्ष सुमेर सिंह सोलंकी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद जहां बीजेपी शोक मना रही है और उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है, तो वहीं कांग्रेस हजारों की संख्या में लोगों को लेकर खुशियां मना रही है। दल की बात नहीं, पूरे देश में और पूरे विश्व में जो एक क्षति हुई है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति दादा प्रणब मुखर्जी की, आज कांग्रेस को शर्म आना चाहिए कि ऐसे व्यक्तित्व जो जिस दल से वो आते थे, उस दल के लोग आज उत्साह मना रहे हैं। आप भी सब मीडिया के लोग वहाँ थे, आपको भी मालूम है कि आज उनने बड़े उत्साह के रूप में अपने कार्यालय का पूजन करा, उनने रूप स्वरूप अलोक दिया। बाकी वो उसमें उत्साह और कितना वो उनमें वो था, खुशी थी जैसे। और हमारे भारतीय जनता पार्टी एक संस्कार और संस्कृति वाली पार्टी है, दल से नहीं व्यक्तित्व से। आज पूरे हमारा भी एक कार्यक्रम था उज्जैनी में, माँ नर्मदा जी का, वहाँ संत समाज भारतीय जनता पार्टी पूरा, बाकी हमारे संगठन देश के संगठन ने तय करा कि उनके चले जाने से कोई भी पार्टी का कार्यक्रम नहीं होगा। भाई साहब क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारियां चल रही है अभी चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी यहाँ संगठन चुनाव लड़ता है, संगठन और यहाँ के एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता आप देख रहे हो कि लगा हुआ। और मैं माननीय प्रेमचंद गुड्डू जी को बोलना चाहूँगा कि वो बोल रहे हैं कि जो सिंधिया जी आके चुनाव लड़ ले, मैं तो बोलना चाहूँगा कि आप राहुल गांधी जी को बुला लो, सोनिया गांधी जी को बुला लो। यहाँ सांवेर का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ, मैं आपको चुनौती देता हूँ कि यहाँ सिंधिया जी और पूरे देश के नेताओं की जरूरत नहीं, यहाँ का आपका यहाँ का एक छोटा सा छोटा कार्यकर्ता आपको चुनाव हरा के भेज देगा।